नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और वायरल सच के खास कार्यक्रम कनेक्टिंग गुरुग्राम विद मी एंकर मनप्रीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह से जब से पोस्ट डाला है वार्ड नंबर 18 को लेकर उनके जो दावेदारी रख रहे हैं आगे पार्षद के लिए, तो लगातार जो कॉल का सिलसिला है सुबह से हमारे पास चल रहा है। और 4:30 बजे से आप देख सकते हैं कि अभी भी मींस मैंने ओपनिंग की है और तभी से है जो कॉल स्टार्ट हो गए हैं। तो आइए कॉलिंग का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं, देखते हैं कि किसको चुनना चाह रही है वार्ड नंबर 18 की जनता। आइए शुरू करते हैं कॉलिंग का सिलसिला। हेलो। हेलो जी सर, आपका नाम? राहुल मदान जी। राहुल जी, किसको वोट करना चाहेंगे वार्ड नंबर 18 के लिए? वार्ड नंबर 18 मियां वाली कॉलोनी से बोल रहा हूँ जी। मैं पारस बख्शी जी को वोट देना चाहूंगा। पारस बख्शी जी को? हाँ जी जी। उन्होंने हमारे बहुत से काम ऐसे हैं जो करवाए हैं, सीवरेज की दिक्कत हो चाहे कोई भी पारा की कोई भी प्रॉब्लम हो जैसे जी जी, तो उन्होंने हमारे 1 मिनट में सारे काम करवाए हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी जी बात करने के लिए जी। मैं चाहता हूँ इस बार पारस बख्शी ही जीते जी। थैंक यू सो मच सर। आज का जो कॉल का सिलसिला है बहुत छोटा छोटा रहेगा, आप हमें ना फटाफट से बताएं। हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर जी। सर आपका नाम? मेरा नाम मैडम प्रदीप गुप्ता जी। प्रदीप जी, किसको वोट करना चाहेंगे? सिर्फ और सिर्फ आशीष गुप्ता को। हमारा पार्षद जो है 18 वार्ड से, हमें आशीष गुप्ता चाहिए जी। आशीष जी चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बताने के लिए। थैंक यू। ओके मैडम, थैंक यू। हेलो। हेलो। हेलो जी सर, आपका नाम? वार्ड नंबर 18 से बात कर रहे हैं जी। सर किसको वोटिंग करना चाहेंगे आप? हम चंचल कौशिक को मैडम। चंचल कौशिक जी को? हाँ जी जी। आइए अभी कॉल लेते हैं फटाफट से, क्योंकि जो कॉलिंग का सिलसिला लगातार चल रहा है। हेलो। हेलो जी सर, आपका नाम? जी मैं दिनेश सिंह रावत बोल रहा हूँ जी। दिनेश जी जी, क्या कहेंगे सर वार्ड 18 से किसको आप पार्षद के रूप में देखना चाह रहे हैं? हम तो गगन गोयल। गगन गोयल को? हम्म जी। ओके सर। हेलो। हेलो। हेलो जी सर, आपका नाम? जी मैडम। जी सर आपका नाम? वार्ड नंबर 18 से सर किसको देखना चाह रहे हैं आप पार्षद के रूप में? गगन गोयल। गगन गोयल जी को? जो कॉलिंग है बैक टू बैक आ रही है, तो आज का जो सेशन है बहुत छोटा छोटा रखेंगे। हेलो जी सर, आपका नाम? हेलो। हाँ जी मैडम, ललित शर्मा जी के लिए वोट मैडम। चैतन्य शर्मा। ललित शर्मा जी के लिए जी। हाँ जी, हाँ जी मैडम जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो जी सर, आपका नाम? निशांत जी। निशांत जी, किसको वोटिंग करना चाह रहे हैं आप? आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता जी को? हाँ जी जी। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग। आज का जो सिलसिला है लगातार चलता रहेगा और उम्मीद करती हूँ कि कॉलर सबसे पहले यही बताए कि उनका नाम क्या है और किसको वो वोट करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से हम लगातार जो है वार्ड की जो पार्षद है उनके नाम जो है उठाते रहेंगे। हेलो। हेलो जी सर, आपका नाम? मनोज जैन जी। मनोज जी, किसको वोटिंग देना चाहेंगे आप अपनी? गगन गोयल को। गगन गोयल को जी। थैंक यू सो मच सर। कॉल का सिलसिला लगातार जारी है, आप भी फटाफट से कॉल करके बताएं हमें, क्योंकि हमने जो 7 नाम है वो आगे रखे थे। सुभाष चंद सिंगला जो कि अभी के पार्षद है, अजय जैन, पारस बख्शी, गगन गोयल, ललित शर्मा, आशीष गुप्ता और चंचल कौशिक, आप भी बताएं हमें कि किसको आप वार्ड 18 के रूप में जो है अपना पार्षद देखना चाह रहे हैं। हेलो। हेलो जी मैम, आपका नाम? त्रिशा दत्ता जी। त्रिशा जी, किसको देखना चाह रहे हैं आप वार्ड पार्षद के रूप में? पारस बख्शी। पारस बख्शी जी को? हाँ जी, लड़कियों की सपोर्ट के लिए उन्होंने बहुत चीजें करी हैं जो गर्ल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इवन हमारे वार्ड में कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो पारस बख्शी जी ने इमीडिएट वो प्रॉब्लम सुनी है और समझी भी है जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। कॉल बैक टू बैक आ रहे हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लगातार हमारे साथ बने रहे। और आप लोग भी अपने वार्ड के कौन कौन से पार्षद या कौन कौन सी दावेदारी रख रहे हैं इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी मैम, आपका नाम?
रविंद्र सिंगला। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे, किनको वोटिंग देना चाहेंगे मैम? अजय जैन जी को। अजय जैन जी को, हाँ जी जी। थैंक यू सो मच मैम। ओके थैंक यू। हेलो जी सर, आपका नाम? मनोज कुमार जी। मनोज जी, किसको वोटिंग देना चाहेंगे आप अपनी? आशीष गुप्ता जी को जी। आशीष गुप्ता जी को, हाँ जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो 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 जी मैम, किसको वोटिंग देना चाहेंगे मैम? आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता जी को, हाँ जी। ओके मैम, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। लगातार जो बैक में आप आवाजें जो सुन रहे हैं, जो वेटिंग में कॉल है उनकी आ रही है। हेलो हेलो, हाँ जी जी मैम, किसको वोटिंग करना चाहेंगे? हाँ जी, ये वार्ड नंबर 8 के पार्षद के लिए हमने कॉल की थी जी, कि किसका सिलेक्शन हो। जी मैम, वार्ड नंबर 18 के लिए किसको आप चाह रहे हैं, कौन पार्षद बने? जी हम गगन गोयल जी को चाह रहे हैं, कि वो बहुत ही अच्छा काम करा रहे हैं और आप उन्हीं को जी पार्षद के लिए नियुक्त किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम कॉल करने के लिए। हेलो 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 जी सर, आपका नाम? हाँ जी मैम, अर्पण मेहता। जी सर, किसको आप चुनना चाहेंगे वार्ड 18 के पार्षद के रूप में? आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता जी को, जी आइए अगला कॉल लेते हैं फटाफट से। हेलो हेलो जी सर, आपका नाम? मुकेश कौशिक जी। मुकेश जी, किसको देखना चाहेंगे वार्ड 18 के पार्षद के रूप में? मैडम हम तो एक नए चेहरे को देखना चाहेंगे, पहले हम सुभाष जी के साथ लगे हुए थे जी, अब जैसे कि वो है क्या नाम है आपका, गगन गोयल जी है, इनको यही नहीं पता हमारे वार्ड में कौन सी गली कहाँ निकलती है, जो आदमी आके देखा ही नहीं उनको क्या वोट दे। अब ये नया चेहरा है चंचल कौशिक जी जी, ये लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, बढ़िया आदमी है ये, तो हमारा तो इनकी तरफ वो है जी, हमारा तो पूरे परिवार का। ओके थैंक यू सो मच सर। ओके जी थैंक यू। हेलो हेलो जी मैम, किसको वोटिंग देना चाहेंगे आप वार्ड नंबर 18 के लिए? पारस बख्शी। पारस बख्शी जी को, हाँ जी। हम फटाफट से जो है वो नाम काउंट कर रहे हैं कि कौन किसको वोटिंग देना चाह रहा है। हेलो आशीष गुप्ता जी को। आशीष गुप्ता जी को जी, हाँ। हेलो 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 जी मैम, किसको वोट देना चाहेंगे आप? मैम मुझे ललित शर्मा के लिए वोट करना है। ललित शर्मा जी के लिए, हाँ जी, डोली नाम है। ओके ओके मैम, ओके। हेलो हेलो जी मैम, हाँ जी मैम, मेरा वोट जाता है, मैं रक्की शर्मा बोल रही हूँ, मेरा वोट पारस बख्शी के लिए। पारस बख्शी जी के लिए है। ओके मैम, कांटे की टक्कर जो चल रही है आशीष गुप्ता, गगन गोयल, पारस बख्शी के बीच में। हेलो हेलो जी सर, किसको वोट देना चाहेंगे सर आप इस बार? वोट फॉर गगन गोयल। वोट फॉर गगन गोयल, ओके जी। हेलो हेलो जी सर, आपका नाम? राजेश गर्ग जी। गर्ग साहब, किसको वोटिंग करना चाहेंगे आप इस बार पार्षद के लिए? अजय जैन जी को जी। अजय जैन जी को, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल, बहुत समाज सेवा कर रहे हैं काफी सालों से। ओके सर, ओके। हेलो हेलो सर, थोड़ा थोड़ा जो है ना फटाफट से बोलें आप अपने आंसर। हेलो हेलो जी सर, किसको वोटिंग देना चाहेंगे वार्ड 18 के लिए? गगन गोयल। गगन गोयल जी जी, गगन गोयल को। ओके हेलो, जो नाम आ रहे हैं आपके सामने, जो नाम आ रहे हैं बैक टू बैक, कि आप लोगों को पता हो कि कौन से पार्षद वार्ड नंबर 18 से जो है अपनी दावेदारी रख रहे हैं और कौन ज्यादा जो है सपोर्ट है जनता का, क्योंकि ये सारे वार्ड 18 के ही जनता है जो अभी बैक टू बैक जो हमें कॉल कर रही है। हेलो 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 जी मैम, किसको वोट देना चाहेंगे मैम आप वार्ड 18 के लिए? पारस बख्शी जी को। पारस बख्शी जी को जी सर, जी मैम, थैंक यू। हेलो फोन करता रहे,
फोन आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली चल रहे हैं यार, बैक से आवाजें भी आ रही हैं। हेलो हेलो जी सर, किसको वोटिंग करना चाहेंगे आप वार्ड नंबर के 18 के लिए? मैडम मिस्टर अजय जैन, मेरा नाम कैलाश अग्रवाल है जी। जैन साहब जो है बड़े हमारे मतलब हमेशा बड़ा सहयोग रहा उनका, मतलब जब भी मैंने उनको किसी भी काम के लिए वार्ड के अंदर या कभी सफाई के लिए, कभी पानी के लिए, कभी किसी भी चीज के लिए मैंने उनको कॉल किया है जी जी, तो उनका बड़ा सहयोग रहा है और बड़ा मतलब तुरंत कार्रवाई रही है। मतलब अभी वो जो पावर में ना होते हुए भी जी जी उन्होंने जो मदद की है जो क्षेत्रवासियों की, अगर वो थोड़ा सा अगर आई थिंक पावर में आएंगे तो यू नो उनका और भी ज्यादा सहयोग रहेगा और ज्यादा हेल्प रहेगी। तो मैं मतलब चाहूंगा कि अजय जैन जी पार्षद बने और वो विकास कार्यों को आगे लेके जाए जी। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग। हेलो हेलो जी मैम, किसको वोट देना चाहेंगे आप वार्ड 18 के लिए? गगन गोयल, गगन गोयल, गगन गोयल काफी ज्यादा सेवा कर रहे हैं जी। ओके जी, हेलो हेलो जी मैम, जी सर किसको वोटिंग करना चाहेंगे वार्ड 18 के लिए सर? पारस बख्शी जी को जी। पारस बख्शी जी को जी। आइए अगला कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी सर, किसको वोटिंग करना चाहेंगे सर इस बार आप? आशीष गुप्ता, वोट वार्ड नंबर 18। आशीष गुप्ता जी को जी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब जो खेल है वो तीन लोगों के बीच में चल रहा है, पारस बख्शी, गगन गोयल, आशीष गुप्ता। कहीं ना कहीं जो टिकट है उसके ऊपर भी डिपेंड है कि टिकट किसको मिलेगी। आइए अगला कॉलिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो जी सर, किसको वोटिंग डालना चाहेंगे वार्ड नंबर 18 की? मैडम वार्ड नंबर 18 से किसको डालना चाहेंगे? वार्ड नंबर 18 से डालना चाहेंगे चंचल कौशिक को। चंचल कौशिक जी को जी। हाँ जी, क्योंकि सुभाष जी देखो 5 साल हो गए किसी से मिलने नहीं आते, हमें उनके ऑफिस जाना पड़ता है, कभी जाके देखते नहीं है क्या दिक्कत है क्या नहीं। और रही बात दूसरी, जो और जो नए लोग हैं ये लोग किसी को जानते ही नहीं है अपने वार्ड में जी जी, हमें मिलनसार आदमी चाहिए, वो है चंचल कौशिक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर कॉल करने के लिए जी। आइए अगली कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी सर, वार्ड नंबर 18 से किसको पार्षद के रूप में देखना चाहेंगे? आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता जी को जी। हेलो हेलो हाँ जी मैम जी सर, वार्ड नंबर 18 से किसको आप पार्षद के रूप में देखना चाह रहे हैं सर? आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता जी को जी। ओके जी, कांटे की चक्कर चल रही है अभी गगन गोयल और आशीष गुप्ता के बीच में। हेलो हाँ जी जी मैम, वार्ड नंबर 18 से किसको पार्षद के रूप में देखना चाहेंगे आप? मैम आई वोट फॉर गगन गोयल। गगन गोयल, ओके थैंक यू। जो कॉल पर कनेक्ट नहीं हो पा रहे कृपया करके मैसेज करें हमें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हेलो हेलो जी सर, किसको देखना चाहेंगे वार्ड 18 के पार्षद के रूप में? पारस बख्शी जी। पारस बख्शी, पारस बख्शी को जी। हाँ जी ओके सर। हेलो हेलो जी सर, किसको देखना चाहेंगे वार्ड 18 के पार्षद के रूप में? जी आशीष गुप्ता। आशीष नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। ओके सर, आशीष गुप्ता। ओके सर, आइए अगला कॉल लेते हैं। कॉल जो है बैक टू बैक बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हेलो 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 जी सर, किसको देखना चाहेंगे वार्ड नंबर 18 के पार्षद के रूप में? आशीष गुप्ता को जी। आशीष गुप्ता, ओके सर, अभी सबसे ज्यादा जो है आशीष गुप्ता जी की वोटिंग चल रही है। हेलो हेलो हाँ जी मैम। हाँ जी सर, वार्ड नंबर 18 से किसको देखना चाहेंगे पार्षद के रूप में? मैडम तो पुराने वाले वो क्या काम कर रहे हैं पहले ये बताओ। सर आप लोग वहाँ की जनता है, आप बताएं क्या आप उनके कार्यप्रणाली से खुश हैं सुभाष चंद्र सिंगला जी से? मैं तो नंबर दूंगा 0 मैडम जी। तो जो नवे दावेदारियां रख रहे हैं क्या उनमें से कोई आ रहा है काम करने के लिए? आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी बताए ना जी। सर जो और लोग जो दावेदारी रख रहे हैं क्या उनमें से कोई है जो अभी काम करवा रहा है? मैडम बाकी सभी पार्षद को मौका जब मिलेगा, जब इलेक्शन आएंगे जी। अभी तो इलेक्शन की कोई डेट ही क्लियर नहीं हुई है।
ठीक है, लेकिन अभी मैं तो यही कहना चाहूंगा जो मौजूदा है तो अभी सीसी जी आवाज में कुछ क्लैश आ रहा है, आइए अगला कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी सर, वार्ड नंबर 18 से किसको पार्षद के रूप में देखना चाहेंगे सर? आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता जी को, जी सर। हेलो 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 आवाज आ रही है मैम? हेलो हाँ जी मैम, आवाज आ रही है आपको? जी जी मैम, किसको देखना चाहेंगे वार्ड नंबर 18 के पार्षद? पारस बख्शी जी को। पारस बख्शी जी, पारस बख्शी जी को जी। हेलो हेलो जी सर, वार्ड नंबर 18 से पार्षद बोल रहा मैम जी। हाँ जी मैम, मेरा वोट आशीष गुप्ता जी को जाएगा। आशीष गुप्ता जी को जाएगा जी। हेलो 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 हेलो, पीछे से कुछ ज्यादा जो साउंड है, नॉइस है, वो क्रिएट हो रही है। आप अगर बात कर रहे हैं तो प्लीज पीछे से फोन या फिर आप साइड में होकर बात करें, क्योंकि पीछे से जो है वो वॉइसेस बहुत ज्यादा आ रही है। हेलो हेलो जी सर। जी सर, वार्ड नंबर 18 से किसको देखना चाहेंगे? पटेल नगर से बोल रहा हूँ जी। जी अपने अजय जी के लिए मेरे को इन्होंने क्या क्या करा ये बताना चाहता था। जी जी मैडम, इन्होंने ना पूरी साफ सफाई वगैरह पटेल नगर में सीवर ब्लॉकेज वगैरह सारा इतना काम करा रखा है। जी ठीक है मैडम जी, और कुछ जानकारी लेनी है मेरे से? नहीं नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इन्होंने पार्क का काम कराया और सीढ़ियों का काम भी कराया काफी ना। ओके ओके सर, थैंक यू। हेलो, बहुत धन्यवाद। सर रिक्वेस्ट करूंगी, पीछे से मुझे मेरी आवाज आ रही है, फोन जो है म्यूट पे कर दीजिए। हेलो हेलो जी सर, किसको वोट करना चाहेंगे? मैं सदर बाजार से विक्रम शर्मा बोल रहा हूँ। जी जी, मैं वोट ललित पंडित जी को देना चाहता हूँ। ललित जी को? हाँ जी, ललित जी को जी। हेलो, आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सबसे पहले जो पीछे कॉल मीन्स जो प्रोग्राम चल रहा है उसका साउंड जो है, उसको इको जो मुझे सुनाई दे रही है, आप पहले उसको प्लीज म्यूट कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, फिर आप जाकर जो है ये कॉल्स जो है हम ले पाएंगे, आवाज जो है वो प्रॉपरली जो सुन रहे हैं लोग वो भी तभी बात कर पाएंगे। आइए अगला कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, किसको देखना चाहेंगे वार्ड 18 के पार्षद के रूप में? अजय जैन को। अजय जैन जी को जी। हेलो 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 जी सर, वार्ड 18 से किसको पार्षद के रूप में देखना चाह रहे हैं अभी आप? ये जी आशीष गुप्ता जी को। आशीष गुप्ता जी को जी। हेलो 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 जी सर, किसको देखना चाह रहे हैं वार्ड 18 के पार्षद के रूप में? मैडम मैं बोल रहा हूँ, शर्मा जी। जी जी हाँ जी मैडम, वो अजय जैन जी के लिए फोन करा था। अजय जैन जी के लिए जो जो काम कर रखे, हाँ जी जो जो काम कर रखे है ना मैडम इन्होंने। जी जी, इन्होंने यहाँ पे बच्चों के लिए यहाँ पे ना क्रिकेट मैदान भी बनवाया हुआ है ना उन्होंने। ओके, तो हम इनको समर्थन देते हैं जी मैडम, अजय जैन जी के लिए ना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो हेलो हेलो, मैं रजनीश बोल रहा हूँ। जी रजनीश जी, किसको वोट करना चाहेंगे आप इस बार? आशीष गुप्ता जी को। आशीष गुप्ता से। ओके सर, थैंक यू। हेलो हेलो जी सर, किसको वोट करना चाहेंगे वार्ड 18 के लिए? आशीष गुप्ता जी को वोट देना है। आशीष गुप्ता जी को, सबसे ज्यादा जो वोटिंग चल रही है अभी आशीष गुप्ता जी की चल रही है, सबसे आगे जो है उनका नाम चल रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी
जी सर, वार्ड 18 से किसको वोट करना चाहेंगे? गगन गोयल को। गगन गोयल को? जी जी। ओके सर। हेलो। हेलो जी सर, वोट फॉर गगन। वोट फॉर गगन। ओके सर। हेलो 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 जी सर, किसको वोट करना चाहेंगे सर? गगन गोयल। गगन गोयल को। हेलो जी सर, किसको वोट करना चाहेंगे सर इस बार पार्षद के इलेक्शन में? ये मिस्टर अजय जैन। अजय जैन जी को। ओके सर। हेलो पारस बख्शी जी। पारस बख्शी। पारस बख्शी जी को। ओके जी। हेलो 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 जी सर। जी मैम, किसको वोट करना चाहेंगे इस बार आप? जी मैम, गगन गोयल को। गगन गोयल को जी। हेलो 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 जी सर, इस बार किसको आप वोट करना चाहेंगे सर पार्षद के इलेक्शन के लिए वार्ड 18 से? चंचल कौशिक जी। ओके, चंचल कौशिक जी को। जी हेलो हेलो जी सर। हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है जी। जी सर, इस बार किसको आप देखना चाहेंगे वार्ड 18 के पार्षद के रूप में? हम देखना चाहेंगे गगन गोयल को। गगन गोयल को जी। हाँ जी। हेलो 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 जी सर। नमस्कार जी, वार्ड नंबर 18 का ये सर्वे चल रहा था जी। जी जी सर। जी सर, कॉल किया था जी सर, आया हुआ हमारे पास। हेलो जी सर, किसको वोट करना चाहेंगे आप वार्ड 18 से? हम तो जी आशीष जी को पसंद करते हैं, आशीष गुप्ता जी। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हाँ जी। ओके सर। हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी। हाँ जी हाँ जी, बताइए बताइए, कुछ क्लैश हो रहा है आवाज में। हेलो 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 जी सर, किसको वोट करना चाहेंगे? आशीष गुप्ता को जी। आशीष गुप्ता को जी। हाँ जी। ओके सर, अभी तक जो कॉल का सिलसिला है लगातार चल रहा है हमारे पास, और आप सभी को भी बता दें कि आज जो बात चल रही है वार्ड नंबर 18 के जो पार्षद है उनके लिए चल रही है कि वार्ड 18 के जो पार्षद है उसके दावेदारे के लिए जो नाम हमारे सामने आए हैं, सुभाष चंद सिंगला जो कि अभी मौजूदा पार्षद है, अजय जैन है, पारस बख्शी है, गगन गोयल, ललित शर्मा, आशीष गुप्ता और लास्ट में नाम आ रहा है चंचल कौशिक का। जी हाँ, और सबसे पहले जो दावेदारी रख रहे हैं अभी आशीष गुप्ता, गगन गोयल, पारस बख्शी, अजय जैन, चंचल कौशिक और उसके बाद ललित शर्मा। अभी तक किसी ने भी जो मौजूदा पार्षद की अगर बात करें सुभाष चंद सिंगला, उसके लिए किसी ने भी अभी तक कॉल नहीं किया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि शायद लोगों को पता ही नहीं है या फिर वो समझ ही नहीं पा रहे कि अभी पार्षद है कौन। आई कॉलिंग का सिलसिला जो है वो फिर से जारी करते हैं। हेलो हेलो जी सर, जी मैं पारस बख्शी जी को अपना वोट देना चाहता हूँ। पारस बख्शी जी को। जी सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो हेलो जी सर। हाँ जी सर, बताइए। जी सर, किसको आप वार्ड नंबर 18 के पार्षद के रूप में देखना चाह रहे हैं सर? सर हमारे नजदीक गगन गोयल जी जो समाज सेवक हैं और लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, 4 साल से हमारे पास लोगों से जितनी समस्याएं दूर की हैं, लोगों को समस्याएं आया, लोगों को परिश्रम आया, जो भी है कोरोना में कालों में सबको मदद की है, हमारे लिए गगन गोयल ही बहुत ही भव्य उम्मीदवार है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कॉल करने के लिए। हेलो 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 हेलो, कॉल बैक टू बैक आ रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पीछे से जो वॉइस आ रही है उसको म्यूट कर दीजिए पहले। हेलो हेलो। हाँ मैडम जी सर, किसको वोट करना चाहेंगे सर वार्ड 18 के पार्षद के लिए? शिव कुमार है मेरा नाम मैडम, मैं अजय जैन जी को सपोर्ट करना चाहूंगा। अजय जैन जी को जी।
अजय जैन जी और पारस बख्शी का जो है लगभग आसपास आ चुके हैं। हेलो जी, मैं कौन बोल रहा हूँ? जी सर, जी सर, आवाज आ रही है जी, बताएं। हेलो, आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? जी जी सर, आवाज आ रही है। वार्ड 18 के पार्षद के रूप में किसको देखना चाहेंगे? अजय जैन जी को। जी हेलो, हेलो जी सर, वार्ड 18 के पार्षद के रूप में किसको देखना चाहेंगे सर इस बार? गगन गोयल जी को। जी सर, हेलो हेलो जी सर, वार्ड 18 के पार्षद के रूप में किसको देखना चाहेंगे सर? पारस बख्शी जी को। हेलो हेलो, मेरा नाम देवांश है और मैं पारस अंकल को वोट करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे झूले लगवाए हैं और हमें और हमारी बहुत सी चीजों में हेल्प भी की है झूलों। थैंक यू। ओके, देखिए कि इतने प्यारे बच्चे ने कॉल किया है और कहा है कि पारस अंकल ने हमारे जो वहाँ पे है जो झूले भी लगवाए हैं, तो आप देख सकते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट भी बन रहा है। हेलो हाँ जी मैम। जी सर, वार्ड नंबर 18 से किसको देखना चाहेंगे इस बार पार्षद के रूप में? चंचल कौशिक जी को। जी सर, हेलो 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 बता रहे हेलो हेलो जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली ये नंबर था ये जो अभी इलेक्शन वगैरह के पास अटके वगैरह के उसके लिए। जी मैम बताएं। जी तो मैं ललित शर्मा जी के लिए कॉल किया है। ललित शर्मा जी के लिए। जी थैंक यू सो मच मैम कॉल करने के लिए। फटाफट से आप भी कॉल करें 9667503194 में, बताएं कि वार्ड 18 के पार्षद के रूप में किसको आप देखना चाह रहे हैं। हेलो आइए अगला कॉल लेते हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो हाँ जी सर, वार्ड 18 के पार्षद के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं सर अभी? गगन गोयल को जी। हम फटाफट से कॉल ले रहे हैं। हेलो जी मैम, किसको देखना चाहेंगे वार्ड 18 के पार्षद के रूप में? वंदना बोल रही हूँ मैडम, पारस बख्शी जी को देखना चाहते हैं। पारस बख्शी जी को। जी कांटे की टक्कर चल रही है गगन गोयल, आशीष गुप्ता और पारस बख्शी के बीच में। हेलो, पारस बख्शी जी को। जी सर, हेलो 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 जी मैम आवाज आ रही है? हेलो जी, किसको देखना चाहेंगे मैम वार्ड 18 के पार्षद के रूप में? चंचल कौशिक जी को। चंचल जी का जो खाता है वो बढ़ रहा है लगातार। हेलो जी सर, किसको देखना चाहेंगे वार्ड 18 के पार्षद के रूप में? आशीष गुप्ता जी को। हाँ जी, आइए अगला कॉल लेते हैं। हेलो जी सर। मेरी गगन गोयल जी को जाती है। गगन गोयल जी को। और जो नीचे मैसेज कर रहे हैं मुझे कि समझ नहीं आ रहा है कि फोन नहीं उठा रहे सर, फोन नहीं उठाने का मतलब ये है कि लगातार जो कॉल है वो वेटिंग में चल रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिखें क्योंकि बैक टू बैक जो है मैं बहुत ही छोटी सी बात कर रही हूँ, सिर्फ ये पूछ रही हूँ, नाम पूछ रही हूँ, क्योंकि बैक टू बैक जो कॉल है वो लगातार मेरे पास आ रहे हैं अभी, और आप अगर आवाज़ भी सुनना चाहें तो आवाज़ बीच में आ भी रही है। तो जो कॉल पर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, रिक्वेस्ट है आप सभी से नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और शेयर करें। हेलो जी सर, किसको वोट करना चाहेंगे सर वार्ड 18 के पार्षद के? वार्ड 18 के सभी नागरिकों की एक ही आवाज, हम सब भाई आशीष के साथ, आशीष गुप्ता जी। ओके सर। हेलो 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 जी सर, किसको वोट करना चाहेंगे? अभिजन जी को। ओके सर। हेलो ये प्रोग्राम है? जी सर, चल रहा है प्रोग्राम, बताएं सर।
हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर। वार्ड नंबर 18 से संतल कोशी बहुत ही कर्मठ ईमानदार और दुधारू युवा नेता है जी। हाँ हम इसको सपोर्ट करते हैं पूरा पूरा। हम पटेल नगर से बोल रहे हैं, पूरे पटेल नगर मियावाली बराबरा सब जगह इसका बहुत अच्छे कैंपेन चला हुआ है जी। समाज सेवा बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं लड़का जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो 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 जी सर, किसको वोट करना चाहेंगे वार्ड 18 के पार्षद के रूप में? चंचल कौशिक। चंचल कौशिक जी। हेलो सर, किसको देखना चाहेंगे वार्ड 18 के पार्षद के रूप में? हाँ जी, हाँ जी मैडम जी, बताएं सर किसको देखना चाहेंगे? आशीष गुप्ता जी, आशीष गुप्ता जी को जी। आशीष गुप्ता जी के लिए काफी कॉल आ रहे हैं, चंचल कौशिक जी के भाई काफी खाता जो है आगे बढ़ता जा रहा है। हेलो जी सर, जी सर। हेलो जी सर, किसको देखना चाहेंगे वार्ड 18 के पार्षद के रूप में? आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता जी। हेलो 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 जी सर, किसको देखना चाहेंगे वार्ड 18 के पार्षद के रूप में? आशीष गुप्ता जी। आशीष गुप्ता जी को जी। अगला कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, वार्ड 18 के पार्षद के रूप में किसको देखना चाहेंगे सर? गगन गोयल जी को देखेंगे जी हम। गगन गोयल जी को जी सर। हेलो हेलो जी सर, किसको देखना चाहेंगे वार्ड 18 के पार्षद के रूप में? आशीष गुप्ता जी को। आशीष गुप्ता जी, आशीष गुप्ता जी नंबर 1 पर चल रहे हैं। हेलो हेलो जी सर, किसको देखना चाहेंगे वार्ड 18 के पार्षद के रूप में? पारस बख्शी जी को जी। हेलो हेलो हाँ जी, आशीष गुप्ता जी को वोट करेंगे। आशीष गुप्ता जी को जी सर। हेलो 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 जी मैम, आशीष गुप्ता जी। आशीष गुप्ता, आशीष गुप्ता जी के लिए। अब कॉल सुन के लगातार आपको भी पता लग गया, सिर्फ एक नाम बता रहे हैं सभी। हेलो जी सर, जी मैम। मैम ये आपने आज जो एक टॉपिक उठाया है 18 वार्ड का जी, मैं जी वो देख रही थी, उसमें मैम आपने सिर्फ लोगों के नाम बताए हैं कि ये लोग प्रत्याशी हैं जी, लेकिन अगर मेरी विचारधारा और मेरी पसंद भारतीय जनता पार्टी है जी, तो मुझे कैसे पता लगेगा इनमें से कौन है जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है? मैम उम्मीदवार तो कोई कहीं का भी नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि वोट के ऊपर डिपेंड है। और ये आप लगाए कि अभी सिंबल मिलने बाकी है सभी को, ठीक है ना, तो इसीलिए जो नाम धरातल के ऊपर अभी चल रहे हैं, क्योंकि बात भी की गई है वहां के लोगों से जिन्होंने ये नाम सजेस्ट किए हैं, उसी के बिहाफ पे ये बात हो रही है। मैम अगर बाई चांस इनमें से किसी को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी तो वो तो निर्दलीय हो जाएगा ना फिर। मैं तो पर चेहरे को देखूं, मैम ये मैं पार्टी को देखूं? नहीं स्वाति जी, ये जनता के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर जो बात चल रही है इसके ऊपर नहीं चल रही कि कौन पार्षद है या बनेगा, बात ये हो रही है कि जनता किसको सपोर्ट करना चाह रही है। तो जनता अगर सपोर्ट करना चाहती है बीजेपी को जी, उम्मीदवार चेहरा बनेगा बाद में, पहले तो पार्टी देखी जाएगी ना मैम। यानी कि आप कह रहे हैं कि पार्टी से ऊपर उम्मीदवार है, कि आप पहले उम्मीदवार देखेंगे फिर पार्टी देखेंगे? मैम बात तो यहाँ पर हमें ये पता लगे ना कि इसमें से किसको कौन सी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार। मेरे ख्याल से तो सारे भारतीय जनता पार्टी के लग रहे हैं मुझे। मैम बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक ही वार्ड से केवल एक व्यक्ति को ही देगी अपना सिंबल, राइट? यही तो मैं सोच रही हूँ मैम, वही तो मैं भी आपसे कह रही हूँ कि रखा है, लोग हैं जो चाह रहे हैं, जिनका जो चाह रहे हैं कि उनको किसको आगे अपने पार्षद के रूप में देखना है, ये तो पार्टी के ऊपर लोगों के ऊपर डिपेंड है, उनके कामों के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अभी तक जो है वो करण जो मौजूदा पार्षद है उसके लिए किसी का अभी तक कॉल नहीं आया है। तो यहाँ आप कहना चाहते हैं कि पार्षद के इलेक्शन में या पार्षद चुनने में जी पार्टी का रोल नहीं है, उसमें आप लोकल उम्मीदवार देख रहे हैं जी मैम, वो जनता के ऊपर है। ये जो व्यूज चल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ जनता के चल रहे हैं। मेरा ये जनता, मेरा भी यही, आपके लिए भी यही फायदेमंद है कि अगर हमें समय रहते ये पता हो कि कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी का है, तभी जाके आपका भी हो पार्षद का पसंद भी उसी हिसाब से आएगी। ऐसी मेरी धारणा है एक आम इंसान की तरह
जी जी। जिस तरह से मैं सोचती हूँ एक आम इंसान की तरह जी जी। मैं वही बात कह रही हूँ आपको जी जरूर। अगर एक आम आपके व्यूज के लिए ही ये कार्यक्रम है, अपने व्यूज बताएं जरूर, उसका वेलकम है। यही जानना है कि अगला कार्यक्रम कोई ऐसा ही हो जिसमें हमें ये पता हो कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार है और कौन सी पार्टी के लोगों ने काम किया है, कौन से लोगों ने काम किया है, और हमें ये समझ में आए तो ज्यादा बेहतर है। जी जी जरूर मैम, धन्यवाद, शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हेलो 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 जी मैम। हेलो, हाँ जी मैम, पारस बख्शी जी के लिए जी। यहाँ पर आप देखिए कि हर तरीके के जो लोग हैं वो कॉल कर रहे हैं, कुछ कॉल जो हैं वो गगन गोयल के, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक निष्कर्ष भी बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ उस वार्ड के उम्मीदवारों की बात हो रही है। कभी तो ये भी है कि आपको पता ही ना लगे कि वहां पर बात हो किसकी रही है। कल को गगन गोयल का नाम उठे आपको नहीं पता कि वो कौन है, आशीष गुप्ता का उठे आपको नहीं पता कि वो कौन है। इसलिए एक प्रयास है कि ये जो उम्मीदवार हैं, ये जो दावेदारी है यहाँ पर पार्षदों के लिए रखी जा रही है, ये अब इन व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड है, उम्मीदवारों के ऊपर डिपेंड है, पार्टी के ऊपर डिपेंड है कि ये किस पार्टी से संबंध रखेंगे, किस पार्टी के अंदर जाएंगे, या कौन सी पार्टी है जो इन्हें अपने निशान के तले जो है चुनाव लड़वाएगी। तो इसीलिए कहना चाह रहे हैं हम आपको, इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप लगातार जो है हमें सिर्फ बताएं। हेलो 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 जी सर। मैम वार्ड 18 के लिए जो आपने सर्वे करा है इसमें आशीष गुप्ता को वोट जाता है जी मेरा। आशीष गुप्ता जी को जाता है जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। आज का जो कार्यक्रम है वो समापन होने पे है, 5:37 हो चुके हैं, मुश्किल से हम 2-3 मिनट और कॉल लेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि अभी जो है श्रृंखला जो है वो सबसे पहले आशीष गुप्ता, गगन गोयल, पारस बख्शी और अजय जैन, मीन्स सबके लिए जो है लोग वोट करना चाह रहे हैं, सबके लिए बात हो रही है। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन पार्टी के सिंबल के नीचे जो है वो लड़ेगा। बट यहाँ पर बात ये भी है कि आप लोगों को जागरूक होना जरूरी है कि इस बार जो भी आप व्यक्ति विशेष चुने पार्षद के रूप में, तो वो वैसा हो कि आपको पता हो कि उन्होंने क्या काम किया है, आगे चलकर वो आपके लिए काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सर्वे का माध्यम सिर्फ इतना है कि आप लोगों की राय ली जाए, आप लोगों के बारे में देखा जाए, बात की जाए, क्या आप लोग जानते हैं कि ये लोग कौन है। अभी तक जो है तकरीबन हम 60-70 कॉल जो है वो यहाँ पर उठा चुके हैं मात्र 40 मिनट में। जी हाँ, 40 मिनट में मैं 60-70 से भी ज्यादा कॉल जो है उठा चुकी हूँ, और जो सर्वे है हमारा जो चल रहा है उसमें भी साबित यहाँ पर पता लग रहा है कि लोग अवेयर है कि कौन कौन इस बार प्रत्याशी के रूप में है। उम्मीद करते हैं आपसे, क्योंकि अभी जो सबसे आगे चल रहे हैं आशीष गुप्ता, गगन गोयल, पारस बख्शी, अजय जैन, उसके बाद चंचल कौशिक, उसके बाद ललित शर्मा, और मौजूदा पार्षद की अगर बात की जाए तो उनके खाते में अभी कुछ भी नहीं है, शायद लोग जानते भी नहीं। और कई लोगों ने कॉल करके बताया कि क्या उन्होंने कोई काम किया है ये नहीं पता, क्या उस गली में वो दोबारा से गुजरे हैं नहीं पता। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमो है आपके लिए। जैसे ही इन लोगों को कोई टिकट मिलेगी या फिर ये लोग हमें हाईलाइट करने होंगे, आपके सामने इनको लेकर आना होगा, तो वो भी हम करेंगे ताकि आप लोगों को पता लग सके कि अभी धरातल पर जो है पार्षद कौन है। बहुत बार होता है कि 5 साल में यही नहीं पता होता लोगों को कि पार्षद है कौन। तो वायरल सच का प्रयास है कि आप लोगों को बताया जाए कि इतने लोग आपके वार्ड नंबर 18 से दावेदारी रख रहे हैं। निरंतर हमारे कार्यक्रम चलेंगे, वार्ड पूरे 35 के 35 वार्डों से चलेंगे। जो भी इसमें अपना नाम देना चाहे या अपनी फोटो भेजना चाहे तो इसी नंबर के ऊपर जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस बार का जो स्पेशल गिफ्ट है वो दिया जा रहा है स्कूल जंक्शन की तरफ से। इस पूरे मंथ का जो है वो स्कूल जंक्शन की तरफ से जो है सरप्राइज गिफ्ट दिए जा रहे हैं। और कल का जो विजेता रहे हैं वो वैभव जी हैं, वैभव जी को जो है गिफ्ट दिया गया है, और आपके सामने पिक्चर्स भी अपलोड हो रही हैं। तो प्लीज उनको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है वायरल सच, और वायरल सच का हमेशा यही प्रयास रहेगा कि आप लोग अवेयर भी रहें, आप लोगों को पता भी हो आपके वार्ड में क्या हो रहा है और कौन काम कर रहा है। ऐसी ही लगातार 35 के 35 वार्डों में कौन कौन से अभी उम्मीदवार आगे आएंगे उन्हीं के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन लिए आपके साथ हम बने रहेंगे। और देखते रहिए आपका अपना कार्यक्रम कनेक्टिंग गुरुग्राम विद मी एंकर मनप्रीत।